बुरी खबर और बुरी खबर इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर बुरी खबर आ रही है नॉर्थ कश्मीर के जिले कुपवाड़ा से। आपको बताना चाहेंगे तूतगुंड कुलगाम के मकाम पर चार गाड़ियां टकराई, कई अपराध मामूले चोटें आने से जख्मी हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मुकामी लोग भी जख्मी अपराधों को गाड़ियों से निकालने में मदद कर रहे हैं। ताजा तरीन सूरतहाल के लिए हमारे साथ ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्रीमान मीर मोहम्मद शफी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे मीर मोहम्मद शफी से। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अभी जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई तूतगुंड में जो है बस उलटने से कई अफराद जख्मी हो चुके हैं, निराई कश्मीर न्यूज के साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी साहब। शफी साहब, ये बताइएगा कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग घायल हो गए हैं? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है लोग उतने घायल नहीं है, दो चार बंदे माइनर इंजरीज है, लेकिन एक्सीडेंट जो होने का वहां पर वजह है, जो हमारे ड्राइवर जो हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि आगे एक सेंट्रो चल रही थी, एक गाड़ी चल रही थी, दो उन्होंने आपस में ब्रेक मारा और आज आपको पता है बारिश की वजह से सल्फी कंडीशन हो गई है रोड की, तो उस वजह से चूंकि नॉन स्टॉप जा रही थी तो आगे अचानक ब्रेक मारने से गाड़ी जिसको गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी वहां जा गिरी। अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की, उन्होंने ड्राइवर का कहना है कि अगर मैं उनको नहीं बचा था तो शायद पता नहीं कितनी, क्योंकि उनमें लोग गाड़ियों में थे, एक ट्रेंट्रो में और एक दूसरे इको वैन में, तो कहा कि अगर मैं बचाने की कोशिश नहीं करता शायद उनमें से कोई बाहर नहीं निकलता, तो मैंने अपनी गाड़ी पलट दी, लेकिन धीरे लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ है, दो चार माइनर इंजरीज है। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे जो है तस्वीरें वायरल हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ, अगर एआरटीओ कुपवाड़ा की बात करें वो भी लगातार इस मौके पर जाई मौके पर पहुंचे थे और वहां पर जो है उन सवारियों को निकालने में जो है वहां पर लगे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या लगता है शफी साहब, प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा मैं आपसे, क्या लगता है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ करते हैं? या तो अगर हम जाहिरी तौर पर अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, या फिर बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों को जो है गाड़ी चलाने की इजाजत दी जा रही है जो बिना लाइसेंस के होते हैं, और आज भी यही वाकया सामने आया है और यही बताया जा रहा है कि कोई सेंट्रो वाला आगे से जा रहा था जिसने गाड़ी को साइड नहीं दिया है जिसके नतीजे में बस गिर गई। देखिए, मैं आपको मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स है रोड ऑडिट, क्योंकि रोड नहीं है, रोड वही है जो 70 साल पहले बना, 40 साल पहले बने हुए हैं और उस पे आप देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं। आपको पता है ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास अभी लाइसेंस भी नहीं है, तो वो छोटी गाड़ियां जो कमर्शियल जो प्राइवेट व्हीकल चला रहे हैं, आप देखें इको गाड़ी स्कूल वैन स्कूल चला रहे हैं, उसमें स्कूली बच्चे बैठते हैं जिनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्राइवेट वैन चल रहे हैं, और आज जो कारण है एक्सीडेंट का, अगर आप वहां खुद भी जाके जाए मौके पर पता करोगे कि अगर इस ड्राइवर ने कोशिश नहीं की होती तो शायद पता नहीं कितनी जाने वहां जाया होती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ड्राइवर ने बड़े होश हवास से एक्सीडेंट होना ही होना है, यह हमारी जिंदगी में एक लिखा हुआ होता है ड्राइवर को, लेकिन उसको ये भी कोशिश करनी होती है कि पैसेंजर भी बच जाए, दूसरा जो आगे वाला है वो बच जाए, तो यहाँ पे वही हालात हो गए कि अब आप कह रहे हो कि बच्चे गाड़ियां चला रहे हो, आप रोज रोड पे देख रहे हो, यहां सिर्फ रोका जा रहा है जो पैसेंजर व्हीकल्स है उनके चेक किया जा रहा है, उनको हर चीज देखी जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स है और जो कैरी पैसेंजर्स करते हैं उनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, ना उनको कोई पकड़ता है ना उनके लिए कोई कानून है, तो ये जो आज का कारण है, या वहां मकामी लोगों से भी पूछ सकते हैं कि वहां के हालात क्या थे उस टाइम। शफी साहब, कुछ लोग जो है घायल हुए हैं, इनको श्रीनगर हॉस्पिटल भी रेफर किया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी जो कोशिश है यही है कि इनको अल्लाह ताला ना करे कि उनमें कोई ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाए, और हम अल्लाह से ये दुआ गुआ है कि सबकी जो हालत है मुस्तकिम हो जाए। और एक और चीज हमारी कि हमारे जो वहां के लोग जो हमारे वहां के एसोसिएशन श्रीनगर के, उनको हमने बता दिया है, वो भी टच में है इनके जो भी रेफर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम उनके दुख में जिनको तकलीफ पहुंचे उनके दुख में बराबर शरीक है हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शफी मीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।